जब वहां कथा कहने के लिए दद्रउआ धाम वाले महाराज जी ने बुलाया था, तो पता नहीं कैसे किसी प्रसाद में या किसी भाव से सिंदूर का कुछ कण मेरे गले में चला गया। सिंदूर यदि कोई खा ले तो वो बोल नहीं सकता है, फिर गाना बजाना उसके बस की बात नहीं, और कथा वक्ता कैसा जो गा ना सके, जो बोल ना सके। ग्वालियर से डॉक्टर आए, भिंड से डॉक्टर आए, खूब डॉक्टरों ने उपचार करने के लिए क्या क्या औषधि काढ़ा बना के ये दो वो दो सब दिया, लेकिन गला मेरा ठीक ना हुआ। तो कथा 9 बजे शुरू होनी और 8:30 बजे महाराज जी मुझको लेके हनुमान जी के सामने बैठे। हनुमान जी का सिंदूर गले से लगाया और झाड़ा दिया महाराज जी। बोले अब तुम मौन रहो, जब कथा शुरू हो ना तब कथा में ही सीधा बोलना। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो जैसे मेरी आवाज अभी है वैसी ही आवाज निकलने लगी, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन आश्चर्य कब हुआ, बोले जैसे ही कथा पूरी हुई, कथा विराम होते ही गला फिर चौक। 7 दिन तक केवल कथा में मेरा गला ठीक होता था, कथा के बाद गला फिर खराब। और 7वें दिन जिस दिन कथा पूरी हुई उस दिन गला अपने आप ठीक हो गया। और 7 दिन तक हनुमान जी ऐसी क्रीड़ा करते रहे व्यास के साथ, मानो खेल रहे हों।